सुन के लिए आपके लिए। सो इस किस्सा गोही की बात चल रही थी, बात चल रही थी कि जब चार नए दोस्त मिलते हैं तो कुछ बातें होती हैं। सो बिफोर परफॉर्मिंग एनीथिंग आई थॉट आई शुड शेयर सम किस्सा विद यू गाइस। सो ये बात तब की है जब आई स्टार्टेड माय करियर, इट्स लाइक 2007 और समथिंग, राजीव चौक। दिन भर बॉस से अच्छी खासी फटकार खाने के बाद मैं शाम को कुछ 9 बजे, नहीं आई थिंक 9:30-10 बजे होंगे, ऑफिस से निकला। निकलने के बाद भाग रहा था मेट्रो स्टेशन की तरफ, राजीव चौक की तरफ। उस दिन बारिश हो रही थी, वो होती है ना जो रुक रुक के बरसती है, बरस बरस के रुकती है, वो हल्की हल्की सी, वो वाली। भागता हुआ मेट्रो स्टेशन की तरफ पहुंचा और पहुंचने के बाद जब सीढ़ियों से उतरा तो सामने भीड़ में कुछ अलग सा हुआ। बिजली कड़की, लेकिन ये वो बाहर वाली नहीं थी, इस बार कुछ अंदर था। फॉर्मल्स पहने हुए, व्हाइट शर्ट ग्रे पैंट, वो सामने खड़ी थी। वो अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से जान। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। उसके बालों में वो मोतियों सा पानी, बारिश तो उस पे भी हुई थी, भीगी वो भी थी। वो आईलैशेस होते ना भीगे भीगे से, उफ, क्या कहूं। जाने मन जाने जिगर, ओ तो मैं शायर अगर कहता गजल तेरी अदा हो पर, मैंने ये कहा तो मुझसे फिदा हो, जाने हयात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बस मन बना ही रहा था कि जाऊं उससे जाके बात करूं, क्योंकि सच बताऊं रोक नहीं पा रहा था अपने आप को। फाइनली दिल में आया हो ही जाए। मन बना लिया कि अब जाके उससे बात करनी है, लेकिन जब तक आगे बढ़ता ट्रेन आ चुकी थी। अब तमाम वो भीड़ का जो जत्था था वो सारे ट्रेन में दाखिल हुए, हम भी चल पड़े। एक्चुअली मैं वो उसका गेट अलग था, मेरा गेट अलग था, लेकिन बस उसके पीछे हो लिया। वो जो मेट्रो में वो पिलर पोल होता है उससे टिक के खड़ा हो गया,
सुना था लड़कियों को इंटेलेक्चुअल लड़के बड़े पसंद है, तो मेरे पास एक बुक थी। हालांकि वो किसी और को देने के लिए थी, तो मैंने सोचा चलो जेब से वेफेयर फ्रेम निकाला, 750। एक्चुअली मैं बेचने वाला मेरा दोस्त था तो उसने 500 में दिया था, बट फिर भी आप 750 पकड़ो। बस टिक के वो बुक खोल के चश्मा पहन के खड़ा हो गया, और एक्चुअली मैं बस यही सोच रहा था कि शी नोटिसिंग मी, क्या वो मुझे देख रही है, क्या वो भी मुझसे बात करना चाहती है। सोच रहा था, जेब में हाथ डाला, सोचा पढ़ना तो उनसे हो नहीं पाएगा, कान में ईयरफोन में कुछ गाने लगा लेता हूं। जेब में हाथ डाला वो ईयरप्लग्स निकालने के लिए, तो जेब का से आई कार्ड गिरा। सोचा यार अच्छी कंपनी का है, ठीक ठाक पोजीशन पे है, सो इट्स ओके, चलता है। वो सीजन 10 का वो याद है, ओ लाल मेरी पतंग, बस कानों में वही चल रहा था, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था, इज शी नोटिसिंग मी। ट्रेन आगे बढ़ रही थी जिंदगी की तरह, ट्रेन रुकी, एक स्टेशन आया और काफी लोग उतरे, उसके बगल की 3 सीट्स खाली हो गई। अब देखो एक बात है कि जब आप किसी को ताड़ रहे हो तो उसका एक थंब रूल होता है, एंड यू कैन नॉट क्रॉस दैट, कि आप जिसको ताड़ रहे हो उसे पता नहीं चलना चाहिए शराफत। तो उसके चलते हम उसके 2 सीट छोड़ के बगल में बैठ गए। अब बैठे तो मैंने अगर 2 सीट छोड़ी है इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग भी नहीं पकड़ेंगे उस सीट को। लिटरली 2 चप्पल जैसी शक्ल के लोग आके हम दोनों के बीच में बैठ गए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन मन बना लिया था कि बात तो करके रहूंगा आज। किस्मत से जनरल सेक्रेटरीट आया और वो दोनों चप्पलें, आई मीन वो दोनों जो हमारे बीच में बैठे थे वो भी उतर गए। इस बार बिना देर किए आई जस्ट जंप्ड उसके बगल में जाके बैठ गया। कमॉन कमॉन कमॉन, पूरी ताकत इकट्ठी करके, सारे गुड पॉइंट्स इकट्ठे करके, के ठीक है शेप भी आज ही की है, शर्ट भी फेवरेट पहनी है, स्मेल भी ठीक ठाक कर रहा हूं, लेट्स टॉक। सर उठाया जैसी बात करने के लिए तो देखा वो वहां थी नहीं, वो तो सामने खड़ी थी, स्टेशन आने वाला था। ओ शिट शिट शिट, नहीं 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 यार नहीं, ये नहीं जा सकती, अगर ये चली गई तो कुछ मिस कर दूंगा, समथिंग समथिंग जो शायद फिर कभी नहीं मिल पाएगा। मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता है यार, ढूंढूंगा कैसे उसे। अब बस ये सोचते सोचते आई सेड इट, एक्सक्यूज मी, वो पलटी विद अ बिग क्वेश्चन मार्क, यस। अब यार एक्सक्यूज मी तो बोल दिया था, लेकिन आगे क्या बोलना था उसके ये सोचा ही नहीं, सिलेबस पूरा तैयार नहीं हो तो कभी एग्जाम में नहीं जाना चाहिए। अब मैं कुछ कह पाता, कुछ सोच पाता, तब तक मैं एक बहुत गहरे शून्य में चला गया, लेकिन पार्टी वॉरियर थी, उसने मुझे उस शून्य में हाथ डाल के कॉलर पकड़ के बाहर निकाला। एंड शी सेड इट अगेन, यस। कुछ कहना था तुमसे पर अब याद ही नहीं आ रहा है। उसने मुझे एक बहुत डिस्गस्ट सा लुक दिया, पलटी और जाने लगी, दरवाजा खुला पर फिर पलटी, और पलटने के साथ में इस बार उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। अगर याद आ जाए कि क्या कहना था तो कल 9 बजे की मेट्रो लेना, मैं 9 बजे आती हूं। ओ लाल मेरी पत रखियो बड़ा झूले, जिंदगी चल निकली, मैं तो भी चलने के लिए। That's it. Thank you very much.